प्रिय मित्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा दसवीं की प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी आपस में बराबर होंगे। हमें सिद्ध करना है कि कोण ए और कोण बी आपस में बराबर होंगे और दिया है कि कास ए और कास बी भी आपस में बराबर हैं, जहाँ ए और बी न्यून कोण है। तो आइए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसमें ए और बी दोनों न्यून कोण होंगे। यह एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में हमें कोण ए और कोण बी को न्यून कोण रखना है, तो यहाँ पे हम इसको ए नाम दे देते हैं और इसको बी नाम दे देते हैं, क्योंकि ए और बी जो होगा वो न्यून कोण होगा। न्यून कोण का मतलब होता है कि वो 90 अंश से छोटा रहे। इस समकोण त्रिभुज में जो यह भुजा होगी वो 90 अंश की होगी। इसका नाम हम सी रख देते हैं। दिया है कास ए और कास बी आपस में बराबर है। कास ए बराबर कास बी। हम जानते हैं कि जो कास ए का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वह होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण यह भी वही रहेगा, आधार बटा कर्ण। समकोण त्रिभुज में जो यहाँ एक इसका एंगल है, इस एंगल से यदि इसका हम अनुपात निकालें तो हम जानते हैं कि जो इस एंगल का सामने का जो भुजा होगी वो लंब होगी और यह भुजा होगी कर्ण होगी और नीचे वाला भुजा आधार होगी। तो यहाँ से जो इसका त्रिकोणमितीय अनुपात निकलेगा वह निकलेगा एसी एबी। हमें आधार बटा कर्ण चाहिए तो यहाँ हो जाएगा आधार और यह हो जाएगा कर्ण। तो यहाँ से आधार हो जाएगा एसी और जो कर्ण हो एबी। अब यहाँ से कास बी है, तब यहाँ से बी को हम एंगल बनाएंगे और इस बी से हम सामने के भुजा कोण देख रहे हैं, तो यहाँ से लंब हो जाएगा और यह कर्ण हो जाएगा और यह हमारा आधार हो जाएगा। तो यहाँ से बी सी, बी सी आधार हो जाएगा, तो बी सी अपन ए बी। तो यहाँ हम लिख देते हैं बी सी अपन ए बी। यहाँ से ए बी दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों कट जाएंगी। यहाँ से हो जाएगा ए सी बी सी। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो ए सी भुजा है वह बी सी भुजा के बराबर है। ए सी भुजा वह बी सी भुजा के बराबर है। जब यह दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो इनके कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो ए सी भुजा के जो सम्मुख कोण होगा वह भी होगा। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं कोण बी और इस बी सी भुजा के जो सम्मुख कोण होगा वह होगा ए। तो यहाँ हो जाएगा कोण ए। को ऐसे भी लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी। और हमें यही दिखाना था कि जब कास ए और कास बी बराबर हों तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी आपस में बराबर होंगे। इस तरह से यह सिद्ध हो गया।